अउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका मैं आपके चैनल का लॉट ऑफ थैंक्स करूंगी। उसके बाद जितने हमारे जम्मू के जो हमारे MLAs हैं 39, उनको मैं दिल की उम्मीद गिराइयों से मुबारकबाद देती हूं कि ये हमारी, मैं तो इसको 100% जीत मानती हूं। हम जीत का जश्न मना रहे हैं। आज मैं जब इलेक्शन के बाद मैं आ जाई हूं ऑफिस में, तो मुझे वही हजूम नज़र आ रहा है जो हमें पहले रौनक नज़र आ रही थी। जो हजूम पहले था वही आज लोगों के हजूम है, इतनी भीड़ है, इसका मतलब कि हम जीते हुए हैं इंशाल्लाह। बिल्कुल इंशाल्लाह इस बार आपको खुद पता है कि 11 से ऊपर आप 11 के बाद आप देख सकते हैं कि कितना दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो आज 29 पे हम पहुंचे, तो 5 हो रहे हैं इंशाल्लाह। मुझे लगता है अच्छा नाराज़ होना भी चाहिए उनको, क्योंकि उनका अमित शाह जी का और मोदी जी ने जो ST पहाड़ियों को दी थी रिजर्वेशन, तो गुजरों ने तो खैर वोट दिए हैं। जो पुंछ की सीट है उस पर गुजर वोटिंग हुई है, किसी ST वाले ने वहाँ पहाड़ी ST वाले STP वाले ने किसी ने वोटिंग वहाँ पे नहीं करी है। 95% जो है वो वोटिंग जो है वो गुजर कम्युनिटी ने की है। उसके बाद जो हमारी सुरनकोट की सीट थी, मैंने वहाँ बोला था लोगों को कि 65% हमारे वहाँ पहाड़ी लोग थे, तो मुझे लगा, मैंने ये भी कहा था कि 65% मुझे नज़र आना चाहिए था। उन्होंने जो गर्दारी, तो फिर आपको पता ही है नहीं करनी चाहिए थी। अगर उनको ST दी थी तो ST का जो बदला है तो वो वोट से देना चाहिए थे पहाड़ी भाइयों को। तो पहाड़ी कम्युनिटी भी कहती है आज के जो पहाड़ी लोग हैं वो ST डिज़र्व नहीं करते थे। तो यही था मैन मिशन, तो यही था पहाड़ियों को, सारी सीटें भी पहाड़ियों को दी थी। ST के जो जितने भी इलेक्शन लड़ने के लिए भी सारी जो सीटें हैं वो पहाड़ियों को दी थी। तो मुझे लगता है कि पहाड़ी भाइयों ने कहीं ना कहीं ये एक गलत डिसीजन लिया है, उनको भाजपा को वोट देने चाहिए। फिर भी मैं मुबारकबाद देती हूँ अपने पुंछ राजौरी के आवाम को, चाहे वो गुजर हैं चाहे वो दूसरे हैं, लेकिन थोड़े बहुत वोट तो दिए, लेकिन उन्होंने दूसरे नंबर पे मेरा 15,000 वोट बिल्कुल इंशाल्लाह पुंछ का तो 21,000 पहली बार लिया ना, 21,000 दूसरे नंबर पे रहे ना बीजेपी ने पहाड़ियों ने बिल्कुल वोट नहीं दिए। अगर नहीं दिए पहाड़ियों ने वोट, अगर वो वोट पहाड़ियों ने अगर वोट दिए होते तो हम जीत के वहां से आते, पुंछ राजौरी तो इससे मेरे भाई, लेकिन पहाड़ियों ने ST लेके वोट नहीं किए हैं। अगर वोट किए होते तो 60% थे, अगर 70% वो बता रहे हैं, मुझे तो 70% गुजर नजर आ रहे हैं वहाँ पे। जिस साल से 70 साल से जिन सरकारों ने नहीं वोट दिए, 70 साल से जिन लोगों ने ST नहीं दी पहाड़ियों को, आज अगर उनको ST मिली है तो उनको ST का बदला वोट से देना चाहिए ना पहाड़ियों को। क्यों नहीं दिया? पहाड़ियों ने वोट नहीं दिए, वहां पे भी पहाड़ी ने वोट कास्ट नहीं किया, गुजर ने वोट कास्ट किया, तो धोखा कर गया 100% बीजेपी के साथ धोखा किया। ST लेके भी गुजरों उसको बीजेपी को वोट नहीं दिए। डोंट वेरी, वो भी मेरा भाई था, दे दिया, डोंट वेरी, कोई बात नहीं है, मैंने उसकी सपोर्ट करी, हार गया। अगर पहलवान उतरते हैं मैदान में तो एक हारता है, जाहिर सी बात है एक जीतता है, लेकिन पहाड़ियों को मैं मुबारकबाद देती हूँ कि जिन्होंने ये हमारे साथ धोखा किया। ये फिर क्या बोलूँ मैं, कौन से लफ्ज़ में उनको मैं उनकी तारीफ करूँ कि जिन्होंने हमें वोट नहीं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मुझे ये लगता है कि अगर पे भी कीचड़ उछाला, 13,000 वोट किसने दिया? कीचड़ उछाला 65,000 था ना, व्हाट इज दिस 13,000 किसने दिया? 13,000 से 18,000 क्या 13,000 वोट सुरनकोट से? नहीं नहीं, जीत चाहिए थी 13 नहीं 12 नहीं 10 नहीं 5 नहीं, जीत चाहिए थी। तो फिर अगर आप जीत चाहिए थी, आसान का बदला वोट से, ST का बदला वोट से, जीत चाहिए 18, 15, 12, 13 नहीं ना। आपकी सीट क्यों नहीं जीत कर रहा है पुंछ वाले? आपका 21,000 पहली बार बीजेपी को मिली है, तो पहाड़ी 21,000 गुजरू ने दिए, आई समझ, जा पहले एजेंसियों से जाके पहले क्लियर कर जाके, तो दिए ना 40,000 आजाद जान को, 40-41,000 पहाड़ियों ने दिए ना वोट, उसको जताया ना, तो पुंछ में पहाड़ी नहीं है जिन्होंने वोट, तो दिए ना वोट आजाद जान साहब को दिए ना, एक भी वोट बीजेपी को नहीं दिया पहाड़ियों ने, सवाल ही नहीं है। मैं कहती हूँ नहीं दिए। इकबाल मलिक साहब को किसने दिए? वो मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रही हूँ। इकबाल मलिक को अगर डट के वोट दिए होते तो आज इकबाल मलिक MLA होते हमारे। देखिए काम डट के किए उन्होंने, ऐसी बात नहीं है। 20 से ऊपर ही ऊपर हमारी लीड जो गई है भाजपा में, कल तक जो टिकट लेने से नहीं लोग टिकट नहीं ले रहे थे, आज बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, और उन्होंने